आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 8000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के खाद कारखाने के विकास कार्यों का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने किया भौतिक निरीक्षण। रबर चेक डैम का भी लिया जायजा। कार्य की प्रगति पर जताया संतोष। कहा जून अंत तक शुरू होगा खाद का उत्पादन। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने गुरु गोरक्षनाथ महाराज की पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर देश और प्रदेश के विकास कार्यों की चर्चा। गोरखपुर के खाद कारखाने में स्थापित होंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर। सीएम योगी ने कहा खाद कारखाने में 8000 करोड़ रुपए के निवेश से साकार हो रही है पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना। 26 साल पहले बंद कारखाना फिर चलेगा, किसी ने सोचा भी ना था। जून अंत तक चालू हो जाएगा गोरखपुर का खाद कारखाना। केंद्रीय उर्वरक मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद कारखाने का किया निरीक्षण। डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा गोरखपुर में खाद कारखाना स्थापित करने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को। आत्मनिर्भरता का आधार एवं एमएसएमई की जान है ओडीओपी। सीएम योगी ने किया बड़ौदा यूपी बैंक के वृहद ऋण वितरण शिविर का शुभारंभ। कहा 4 साल में उत्तर प्रदेश में 50 लाख एमएसएमई इकाइयों को दिया गया लोन। यूपी को बनाएंगे $1 trillion की अर्थव्यवस्था। गुरुवार की देर शाम एडीजी जोन अखिल कुमार ने हरिओम चौराहा से रेलवे स्टेशन होते हुए बेतियाहाता तक किया पैदल गश्त। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नागरिकों से वार्ता कर लिया फीडबैक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर जिले में तीसरे चरण के तीसरे चक्र में आमजन में टीकाकरण का देखा गया खासा उत्साह। 113.5% लोगों ने करवाया टीकाकरण। 1060 लोगों ने फर्स्ट डोज और 2572 लोगों ने सेकेंड डोज का अपना लगवाया टीका। विद्युत विभाग के घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लागू। ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो रही है छूट के धनराशि की जानकारी। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,479। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 25 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता विद्युत कार्यालय के समक्ष दिया धरना। किया प्रदर्शन। मांगों को पूरा करने की मांग। और मारवाड़ बिजनेस स्कूल के राष्ट्र सेवा योजना की तीनों इकाइयों का 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ समापन। आयोजित हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम।